नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, उसके बाद से जो दो पार्टियां यूपी की मुख्य पार्टियां मानी जाती थी, सपा और बसपा को अब अपनी जमीन तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। पिछले चुनाव में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन तब सारे मत तो मानो बीजेपी के पाले में गिर गए। यानी कि दोनों पार्टियों को अब साफ हो चुका है कि वो दोनों साथ आकर तो कम से कम चुनाव लड़ने से कतराएंगी ही। उसके बाद अब जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में अब ये दोनों ही पार्टियां आपस में भिड़ गई हैं। समाजवादी पार्टी के सेंधमारी से नाराज हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव पर जोरदार तंज कसा है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कह दिया है कि एमएलसी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अखिलेश की समाजवादी पार्टी को जैसे को तैसा जवाब देगी। मायावती ने अपना मकसद साफ कर दिया है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सपा के उम्मीदवार को हराना है, भले इसके लिए उनकी पार्टी को बीजेपी उम्मीदवार को ही वोट क्यों न देना पड़े। जो पार्टी एमएलसी चुनाव में एसपी के दूसरे प्रत्याशी को हराती दिख रही होगी, बसपा के विधायक उसे ही अपना वोट देंगे। समाजवादी पार्टी से नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बताया कि एसपी दूसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रही है। मायावती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सतीश चंद्र मिश्र ने एसपी मुखिया को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, निजी सचिव से भी बात नहीं कराई। फिर महासचिव राम गोपाल यादव से बात हुई तो उन्होंने बताया कि एसपी सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद बीएसपी ने रामजी गौतम को प्रत्याशी बनाया, लेकिन एसपी ने आखिरी मौके पर निर्दलीय को पर्चा भरवाया और फिर चार विधायकों की खरीद फरोख्त की। मायावती के मुताबिक एसपी का षड्यंत्र सफल नहीं हुआ, सतीश चंद्र मिश्र को इसी तरह से नजरअंदाज करना ब्राह्मण समाज का अपमान है। मायावती ने इसे समाजवादी पार्टी का विश्वासघात करार दिया है। मायावती के मुताबिक जिन 7 विधायकों ने एसपी की तरफ से खड़े किए गए उम्मीदवार को समर्थन दिया, ये विश्वासघात है। पार्टी ने इन 7 विधायकों को निलंबित कर दिया है। चौधरी असलम अली, हरगोविंद भार्गव, मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, मोहम्मद असलम रायनी, सुषमा पटेल और वंदना सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मायावती ने कहा कि इनके दूसरी पार्टी में जाते ही दल बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई की जाएगी। बीएसपी इन उम्मीदवारों को चुनाव नहीं लड़ाएगी और इनके खिलाफ इनकी ही जाति और धर्म के लोगों को चुनाव में उतारा जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का गुस्सा समाजवादी पार्टी पर फूट पड़ा है। मायावती अपने दल में समाजवादी पार्टी के सेंधमारी से कुछ ऐसी नाराज है कि बीजेपी के भी पक्ष में वोट करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि मायावती का ये रुख क्या आगे साल 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरफ भी कोई इशारा करता है, या फिर ये सिर्फ एमएलसी चुनाव तक ही सीमित रहने वाला है। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए।